हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज मैं बात करूंगा ऑल ओटीटी अपडेट्स के बारे में। मेरे पास काफी टाइम पहले एक मैसेज आया था, जिसमें कि एक भाई ने ये लिखा कि भाई आप जितनी भी ओटीटी अपडेट्स देते हो, जिसमें कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार के, वो सारे आप ट्विटर हैंडल पर डालते हो, और जितनी हम आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, तो वो सारी अपडेट हमें नहीं पता चल पाते हैं। तो आप वीक में एक वीडियो बना दिया करो जिसमें कि सारे ओटीटी अपडेट्स हुआ करें। तो मेरे आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो गाइस फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वीक में एक वीडियो बनाया करूंगा जिसमें कि आपको सारे ओटीटी अपडेट्स दिया करूंगा। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो अमेजोन प्राइम की तरफ से ऑफिशियली एकदम कंफर्म हो चुका है द बॉयज का सीजन 1 सीजन 2 आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु में देखने को मिलेगा। और तो और इस टीवी सीरीज को देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टीवी सीरीज सुपर हीरो है, ऊपर से इसमें आपको काफ़ी सारे अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। तो ये रिलीज होने वाला है ऑफिशियली 28 अक्टूबर, जो कि अमेजोन प्राइम ने कन्फर्म कर दिया है। अब बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो सोल ऑफिशियली 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये पहले सिनेमा में रिलीज होने वाली थी, पर कोरोना वायरस के चक्कर में इसे डिज्नी प्लस पर रिलीज करा जा रहा है। उसके साथ आप बात करते हैं नेटफ्लिक्स अपडेट के बारे में। तो ओवर द मून काफी कमाल की एनिमेशन मूवी है, इसको हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। तो गाइस इसको भी जाके जरूर देखना जिसके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है। अब बात करते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो एप्पल टीवी पर और नेटफ्लिक्स पर नो टाइम टू डाई रिलीज होने वाली है 2021 में। अभी रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं हुए, पर हिंदी, तमिल, तेलुगु में आपको ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। द बेबी सिटर गाइड ऑफिशियली 15 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। तो गाइज इसको जरूर देखना, इसमें आपको मैजिकल और देन मॉन्स्टर हंटिंग देखने को मिलेंगी काफी कमाल की। द न्यू म्यूटेंट्स का रूमर्स आ रहा था कि ये आपको ओटीटी पे देखने को मिलेगी, पर नहीं, इंडिया में आपको 30 अक्टूबर को थिएटर में देखने को मिलेगी, पर इंग्लिश में। जिंगल जिंगल ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज होने वाली ऑफिशियली कंफर्मेशन भी आ चुका है। तो गाइस इसको भी जरूर देखना। अब बात करते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑल सीजन हिंदी में डब हो रहे हैं, ऐसा एक अपडेट आया है। और देन रिलीजिंग डेट क्या है वो कन्फर्म नहीं है, पर जहां तक ये डिज्नी प्लस पर रिलीज होगा। तो गाइस देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। सोशल डिस्टेंस जो कि काफी कमाल की टीवी सीरीज है, जो कि रिलीज हुई थी 15 अक्टूबर को, तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी, काफी कमाल की टीवी सीरीज है। उसी के साथ एक और अपडेट, द फर्स्ट मैन हिंदी में नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। तो जिसने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो गाइस जाके देखो। उसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है और जो लास्ट अपडेट है वो है द इविल आई। तो इविल आई आपको ये हॉरर मूवी हिंदी में देखने को मिल जाएगी, ये अमेजोन प्राइम पर ऑफिशियली आ चुकी है। मालूम है कुछ पुराना अपडेट है, पर मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूडिंग कर लिया जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियल में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। और देन सेकंड पार्ट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।